जय श्री राम। अब हम सुनाने जा रहे हैं रामायण का सुंदर सा पाठ। आप इसे पढ़ें भी और साथ में सुनें भी। सती हृदय अनुमान के सब जाने शर्व के तीन कपुट में शंभुषण नारी सहज जड़ अज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्व शिव जी सब जान गए हैं और मैंने शिव जी से कपट किया है। सती स्वभाव से स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जल उपय सरिस बिकाई देखो प्रीत की रीति भली बिलक होई रसुजाई कपट खटाई परत पुनि। प्रीत की सुंदर रीत देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोच समझते निज कर्मी चिंता मित जाई नहीं बरनी सुभासिंदी शिव परम अगाधा प्रकट न कहो मोर अपिराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाय सागर हैं, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रू को लोग भवानी प्रभु मोहित जीव हृदय अकुलानी निज अग समुझ न कछु कही जाई तपई अवा इव और अधिकाई। श्री जी का रूप देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदयगण व्याकुल होगी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार की आमे के समान अत्यंत जलने लगा। सती ससोच जान ब्रज केतु कही कथा सुंदर सुख हेतु परनत पंत विविध इतिहासा विश्वनाथ पहुँचे कैलाशा। ब्रज केतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथा कही। इस मकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तय पुनि शंभु समुझिपन आपन बैठे बट तर करि कमलासन हम शंकर सहज स्वरूप समारा लाग समाधि अखंड पारा। वहाँ पर शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि में सती बसई कैलाश तब अधिक सोच मन माही मरो न को जान कछु झुक सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगे। उनके मन में बड़ा दुख था, इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन दुख के समान बीत रहा था। लखन सिया राम चंद शंकर हरिओम बोलिए जय सिया राम।